नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए हम आलू लिए हैं, दो आलू, और हम आलू को ये कद्दूकस पर घिसेंगे ऐसे। ये आलू हमने घिस लिया है ऐसे, इतना बारीक। एक कप बेसन है, और हम गैस चलाएंगे, और ये पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, और हम जीरा डालेंगे इसमें, जीरा चटकने लगा। और इसमें हम मिर्ची डालेंगे, इसमें मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिली फ्लेक्स मसाला डालेंगे, और हम इसे सभी मसालों को हम मिला देंगे। और हम इसमें ये बेसन का घोल डालेंगे, इसमें ऐसे, घिसा हुआ आलू हम डालेंगे इसमें, जो मैं घिस के रखी थी। और हम इसे एक साथ मिक्स करेंगे, और ये गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर में मैं इसे गैस बंद करूंगी, और ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे किसी बर्तन में लेके इसे हम जमाएंगे, और इसे हम अब इस बर्तन में हम डाल के ठंडा करेंगे। और ये ठंडा हो गया है एकदम ऐसे काटने लायक। अब मैं काट के दिखाती हूँ आपको कैसे ऐसे। अब तेल गरम हो गया है, अब हम एक एक करके डालना शुरू करेंगे। ये नीचे सीख गया है, अब मैं ये करके पलटूंगी इसे। अब हम एक एक करके निकालना शुरू करेंगे। ये पक गया है, ये हमारा रेसिपी बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।